खायरा फाउंडेशन नामी तंजीम के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट सैयद मुदस्सिर और इनके फ्रेंड्स ग्रुप्स की जानिब से कोरोना लॉकडाउन के शुरुआत से ही मुस्तहिक गुरबा में राशन की इमदाद जारी है। वट्टापल्ली फातिमा नगर में आज 200 से जायद राशन किट्स को मुस्तहिक गरीबों में तकसीम किया गया और सैयद मुदस्सिर ने इस नेक काम में हिस्सा लेने वाले अहले खैर हजरात का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि अगर इस नेक काम में कोई हिस्सा लेना चाहे तो खैरा फाउंडेशन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। मैं खुद मेरी तरफ से बोल रहा हूँ साहिब दौलत है मेरा होता है कि मेरी इतना मैं कर सकता हूँ और ये जो काम है पूरा जो से नंबरों से नंबरा दिए घरों को जाके ऐसे क्या दिए मेरे को आपको मिली 11 बजे है तो बार बार सवाल पूछे अल्हम्दुलिल्लाह आज खैरा फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन 200 से 250 किट राशन तकसीम करे ये वट्टापल्ली फातिमा नगर के एरिए में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दोस्त अहबाब जो जान पहचान के लोग हैं उनके इमदाद और उनके ताउन से ये काम हुआ। अल्लाह जज़ाए खैर दे जो इमदाद करे ताउन करे और अल्हम्दुलिल्लाह खैरा फाउंडेशन हैदराबाद के हर वो कोने में जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा तकरीबन 1200 से 1400 राशन की किट्स तकसीम करे तकरीबन गौस नगर सादत नगर रेन बाज़ार तालाब कट्टा अवेसी एरियो में और भी हम लोगों का टारगेट है कि 2000 से 2500 राशन की किट्स और तकसीम करना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फाउंडेशन को सपोर्ट करें ताकि और भी अहले खैर और अहले लोगों तक यकीन जो मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचा सके। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खैरा फाउंडेशन को सपोर्ट करें ताकि और भी मज़ीद लोगों की हेल्प हो सके और ऐसे ऐसे एरियो में जाके हम लोग काम कर रहे हैं जो यकीनन सही है जहाँ तक कोई भी तरक्की में कोई भी इदारे नहीं पहुँच सके अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे अड़ोस पड़ोस का ख्याल भी रखें जो यकीनन राशन के मुस्तहिक है आस पास आपके और कई हम लोग तो कई पार्टी के पास भी कई सदर्स और कई रहनुमाओं से भी कांटेक्ट करें लेकिन मायूसी के अलावा कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ एक उम्मीद मिली करेंगे कोई भी पार्टी से लेकिन वट्टापल्ली फातिमा नगर पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी तकरीबन जब से लॉकडाउन है उस टाइम से मैं राशन तकसीम कर रहा हूँ और ये काम राशन रमजान के बाद भी कंटिन्यू रहेगा और इंशाल्लाह मैं ये काम तकरीबन 3 साल से एक तंजीम से जुड़ के काम कर रहा था अभी इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ करीब 2 से 3 महीनों से हमारे दोस्त अहबाब मिलकर ये काम कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग खैरा फाउंडेशन को सपोर्ट करें ताकि और भी मज़ीद लोगों तक मदद पहुँचा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।